नमस्कार। चलिए आज हम बिहार का फेमस दूध पुआ बनाएंगे। तो दूध पुआ कैसे बनता है आज हम आप लोगों के साथ शेयर करें। ठंडी के समय है, मन तो मन करता है दूध पुआ खाए धूप में बैठ के। तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। बहुत ईजी है, बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने चावल लिया है, चावल को मैंने पिसवा कर मंगाया था चक्की से, तो बिल्कुल बारीक तरह से आटे के जैसा है। तो अब इसको मैंने 2 कप, किसी मेजरमेंट से आप ले सकते हैं, कोई कटोरा से भी ले सकते हैं। बहुत ईजी है, बहुत जल्दी बनकर दूध पुआ तैयार होता है, बहुत टेस्टी होता है। तो चलिए बनाते हैं और आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो इसमें हम थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देते हैं, छोटा चम्मच, और अच्छे से हम हर जगह मिक्स कर देते हैं। पहले ही मिक्स कर देते हैं तो पानी डालने के बाद वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा, इसलिए हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं आटे में। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे पानी डाल के और आधा एक घंटे के लिए आप इसको रख दीजिएगा रेस्ट करने के लिए, उसके बाद आप दूध पुआ बनाइए। लेकिन ये है कि जैसे कल बनाना है तो आज रात को भिगो कर रख दीजिएगा, तो वो पुआ बिल्कुल दानेदार और अलग बनेगा। और आपको जल्दी खाना है तो बेकिंग पाउडर आपको पता है कौन सा है, तो यही बेकिंग पाउडर जिसे केक बनता है, यही बेकिंग पाउडर है, वो इसी में से मैंने छोटा चम्मच डाला है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको मिक्स करेंगे आटे को, पानी ही डाल के अलग अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं, नहीं तो गुठली रह जाएगी। देखिए थोड़ा और पानी हम डालेंगे, तो ये देखिए पेस्ट मैंने बना लिया है, ये देखिए दूध पुआ का। अब हम चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तवा चढ़ा दिए, तवा हमारा गर्म हो रहा है। अच्छा तब तक देर में कढ़ाई चढ़ा लिया है, कढ़ाई में डाल देते हैं दूध। दूध होने देते हैं गर्म, अच्छा तरह से खोलते हैं दूध होने देते हैं गर्म। अच्छा गर्म हो चुका है, अब इसके अंदर हम बैटर को इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और फिर इसके अंदर हम डाल देते हैं और इसके ऊपर ढककर हम लगा देते हैं, जिससे अच्छी तरीके से बबल्स आएंगे, इसमें छोटे छोटे एयर्स और बबल्स आएंगे, तो बहुत सुंदर हमारा दूध पुआ बनकर तैयार होगा। और इसके अंदर बहुत सॉफ्ट और बहुत बढ़िया बनकर ये तैयार होगा। तो इसको हम गैस को लो पर कर दिया, हाई पर नहीं करें, नहीं तो दूध पुआ जल जाएगा। तो मैंने लो पर रखा है फ्लेम, आपको मैं दिखा दे रही हूँ। देखिए आप सोचेंगे बिल्कुल बढ़िया, देखिए मैंने लो पर रखा है और बिल्कुल लो रखा है, क्योंकि ये जले ना और अच्छी तरह से दूध पुआ पककर इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल देते हैं, इसे अच्छे से मेल्ट हो जाए। दूध हल्का गुनगुना है, ये गुड़ मेल्ट होते रहेगा और इसमें हम पुआ डाल देते हैं। पुआ अच्छा इसमें तब तक दूध अच्छे से सोख लेगा पुआ को। बना ली हूँ, देखिए कितना सुंदर एयर इसमें से निकल रहा है, बबल्स हो गया है, यही चीज़ चाहिए हमें। ये देखिए हमारा पुआ बनकर तैयार हो चुका है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितना सुंदर और कितना बढ़िया कलर हो रखा है। अब दूध में इसको भी डाल दिया है, तरह से सारा पुआ हम बनाकर तैयार कर लेते हैं। अभी हम रख दिए हैं और इसको ढक्कन लगा देते हैं। ये देखिए ये इलायची है, खुशबू के लिए हम इसमें डाल देते हैं, इससे दूध पुआ का खुशबू बहुत सुंदर और बहुत अच्छा लगेगा खाने में। अभी पुआ बन तैयार हो गया है, ये देखिए कितना सुंदर कितना दानेदार हो चुका है। दूध पुआ के अंदर डाल देते हैं, अब इसी तरह हम सभी को बना, हमारा कितना सुंदर और कितना बढ़िया बनकर तैयार हो गया है और बहुत टेस्टी का बहुत बढ़िया लगा खाने में। कितना सुंदर हुआ है मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये देखिए कितना सुंदर फूल भी गया है। बहुत जल्दी बनकर ये झटपट बनकर पुआ तैयार हो गया है। तो आप इस तरह बनाइए और खाइए और इन्जॉय।